एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का वीडियो होने वाला है रिव्यू वीडियो, और आज मैं रिव्यू करूंगी शुगर की लिपस्टिक्स का। और मैं इनका रिव्यू करना चाहती थी और बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे लिपस्टिक्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप बेल बटन को भी ऑन कर देना, वरना यूट्यूब आपको नोटिफिकेशंस नहीं देगा। और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। मैं आपको पहले जो मैं हमेशा करती हूँ वीडियोस में, जो सब करते हैं जब भी रिव्यू वीडियो होती है, इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। पर इसकी जो ऊपर वाली कार्डबोर्ड, जो इसका बॉक्स था जिसमें ये आती है, वो मेरे पास नहीं है। इनर पैकेजिंग के बारे में बात करूंगी। इनर पैकेजिंग मुझे इसकी बहुत पसंद है। जैसे आप देख सकते ट्रांसपेरेंट है, और ऊपर इसका जो कैप है वो मैट फिनिश में है। और इसमें आपको देखिए, नीचे आप देख सकते हैं इसको बुलेट शेप में ये लिपस्टिक नजर आती है, जो कि बहुत क्यूट लगती है, बहुत अच्छी लगती है ये। और अब मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज ईच। और बहुत ज्यादा इसका प्राइस जो है वो रीजनेबल है, क्योंकि ये लिपस्टिक्स इतनी अच्छी है। और 499 में 500 में आपको बहुत अच्छी लिपस्टिक्स मिल जाएंगी। मैंने इनको लिया था शुगर के स्टोर से, और मेरे पास ये दो शेड्स हैं और साथ में ये सैंपल शेड्स हैं मेरे पास। ये देखिए सैंपल लिपस्टिक्स, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी, ये सैंपल्स आपको मिल जाएंगे। अगर मुझे लगता है आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो शायद वहां से भी आपको सैंपल को भेज दें। और इसके साथ भी आप 5-6 बार आई थिंक अप्लाई कर सकते हो लिपस्टिक। अभी तक मैंने इनको 2-3 बार यूज कर लिया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा है, आपको सैंपल भी साथ में मिल रहे हैं। तो मैं इन सभी के स्वॉचेस, आपको लिप स्वॉचेस अभी दिखाने वाली हूँ। और आपको इसमें टोटल 30 शेड्स मिल जाते हैं, 30, बहुत सारे शेड्स मिलते हैं आपको इसमें। और इसमें आपको रेड, ब्राउन, पिंक, पर्पल, बहुत सारे, ये सारे के सारे आपको इनमें मिल जाएंगे कलर्स। और ये आप थ्रू आउट द ईयर आप ये लिपस्टिक्स जो है वेयर कर सकते हैं अपने लिप्स पे। और ये लिपस्टिक्स आई थिंक ये शेड सभी के सभी स्किन टोन पे मुझे लगता है जाएंगी। कोई भी आप लिप कलर्स का ले लीजिए, शेड ले लीजिए, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। एक बार सेट होने के बाद ये बिल्कुल भी आपके लिप्स से नहीं उतरेगी, ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगी, स्मज नहीं होगी और फेड नहीं होगी। तो इसकी जो पिगमेंटेशन है वो भी 10 आवर्स तक आपके लिप्स पे रहेगी, बिल्कुल भी ये इधर से उधर नहीं होगी जब तक आप कुछ ऑयली नहीं खा लेते। से ये थोड़ी बहुत उतर जाती है, तो मेरी सजेशन ये है कि आप इस उसके ऊपर ही रीअप्लाई नहीं दीजिए। आप पूरा का पूरा उतार के और एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाइए, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर ही रीअप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा फ्लेक्स वगैरह आ जाएंगे। जब आप इसको उतारना चाहें तो आप हमेशा ऑयल बेस्ड क्लींजर का ही इस्तेमाल करें। जैसे आप कोकोनट ऑयल या बेबी ऑयल यूज कर सकते हैं इसको उतारने के लिए। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये कोई स्टेन भी नहीं छोड़ती है उतरने के बाद, और ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्लस है। इसको खोल के दिखाती हूँ। इसका जो एप्लीकेटर है वो ये है, ये एक स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर है, और इसका जो साइज है वो एकदम परफेक्ट है। लगाते टाइम बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसका जो साइज है इस वजह से आप कॉर्नर्स में भी अच्छी तरह से लगा सकते हो। रियली लाइक द एप्लीकेटर ऑफ इट। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, इस लिपस्टिक्स को लगाने से पहले आपको अपने लिप्स को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना है विद अ लिप बाम। क्योंकि अगर आप बिना लिप बाम के इनको अप्लाई करोगे तो आपको ये आपके लिप्स को ये सुपर ड्राई कर देंगी। अगर आपके लिप्स ऑलरेडी ड्राई हैं, और अगर आप ये लिपस्टिक्स आप बिना लिप बाम के अपने लिप्स पे लगा लोगे तो बहुत ज्यादा आपके लिप्स अकड़ जाएंगे। और मैं लगाने से पहले एक लिप बाम लगा रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इनके लिप स्वॉचेस आपको दिखाने जा रही हूँ, जिसका कि आप बहुत देर से वेट कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट।
स्वीट, ये कलर मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लगता है। आप क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई थिंक कि इस आई मेकअप के साथ ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। So guys, that was my review of sugar smudge me not liquid lipsticks का। I hope ये video आपको अच्छा लगा हो, आपने enjoy भी किया हो। और मैं अब आपको मिलती हूँ अपनी next video में guys। तब तक के लिए bye bye and take care।